नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गुप्ता प्रयागराज से, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत बुरी खबर जिसे सुनकर आप भी जो है दंग रह जाएंगे। आप जो केरल में जो हादसा हुआ प्लेन क्रैश वाला, वो तो आप सभी ने सुना ही होगा। उसमें जो है एक और बुरी खबर ये निकल के सामने है। ये एक आदमी था, ये जो है उसी प्लेन में सफर कर रहा था और लैंड प्लेन टेक ऑफ होने से पहले इसने जो है फेसबुक पर एक फोटो अपलोड की अपने बीवी और बच्चे के साथ, डॉटर के साथ, और उसमें उसने कैप्शन में लिखा बैक टू होम। पर बैडली न्यूज़ ये है कि उसकी जो है इस प्लेन क्रैश में उसकी डेड हो गई और उसकी वाइफ और उसकी जो डॉटर है छोटी सी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी और आपकी यही दुआ रहेगी, आप हम उसमें प्रे कीजिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके लिए रिप जरूर लिखिएगा कमेंट में, और प्लस उसकी बीवी बच्चे जो हैं, उसके बीवी बच्चे जल्दी से सही हो जाए, उनके लिए भी प्रे कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को ये पता चले कि क्या मतलब कि थोड़ा संभल के, चेतावनी के साथ लोग काम करें। और प्लस जो है एक हम शुक्राना उनका करेंगे, दीपक वसंत साथे का, जो कि उस प्लेन के जो है पायलट थे। उन्होंने, उनको पता चल गया था कि प्लेन में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उन्होंने इंजन बंद कर दिया था। अगर इंजन चालू होता तो प्लेन में आग लग जाती और जितने लोग थे सबकी जान चली जाती। लेकिन उन्होंने अपने पैसेंजर्स, अपने एयर इंडिया के स्टाफ को बचाने के लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया। उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ होने से पहले बंद कर दिया था, जिनसे जो है कईयों की जान बच गई। लेकिन कुछ लोग जो है भगवान को प्यारे हो गए, तो उनके लिए जरूर से रिप जरूर करिएगा उनकी आत्मा को, ताकि शांति मिले। और दीपक वसंत भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि ईश्वर और उनके परिवार को उनकी मतलब की सहने की शक्ति दे। और जो ये बताया जा रहा है शाफाकू बिलेसरी नाम का आदमी था, जो वो भी अपनी जान गंवा बैठा, जो प्लेन में सफर कर रहा था, जिसने कैप्शन डाला था बैक टू होम, वो भी अब दुनिया में नहीं रहा। उसकी बीवी बच्चे के लिए प्रे करिए कि जो जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। और भी जितने लोग घायल हुए हैं, जिनके लोग मरे हैं, उनके लिए भी प्रे जरूर करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना अति आवश्यक है। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।